हेलो दोस्तों, आज हम इको स्पोर्ट की टेलगेट की डेंटिंग एंड पेंटिंग की वीडियो शूट कर रहे हैं। आप गौर से देखिए और समझिए किस तरह से डैमेज रिपेयर होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी लाइक शेयर कर दीजिए। आप जैसे कि देख सकते हैं, हम बतला रहे हैं आपको डैमेज कहाँ कहाँ पर किस तरह से है, तो आपको टोटल कंप्लीट वीडियो बतलाएंगे डैमेज रिपेयरिंग की। जैसे कि आप देख सकते हैं टेलगेट किस तरह से डैमेज है, हमारी स्टेपनी के नीचे भी बहुत ज़्यादा डैमेज है। हम इसे टोटली रिपेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अंदरूनी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ है, बैक पैनल जिसे कहते हैं। तो ये बैक पैनल जो है बम्पर सपोर्ट का हिस्सा है, तो होल वाली जगह पे डैमेज था, इसीलिए हमें हीट चेक की मदद से उसे रिपेयर करने में आसानी हो रही है, और उसके अंदर गैप भी बहुत कम है। जगह नहीं होने की वजह से तो हम हाथ से उसे डेंट नहीं कर सक रहे, मगर फिर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे हीट जैक की मदद से काम काफ़ी हद तक आसान हो रहा है। डैमेज रिपेयरिंग में वक्त काफ़ी ज़्यादा लगता है दोस्तों। हम तो सिर्फ आपको शॉर्टकट में बतलाना चाहते हैं, फास्ट में भगाकर। तो आप देख कर कर भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं और पता कर भी सकते हैं कि किस तरह से काम होता है डेंटिंग एंड पेंटिंग एंड मैकेनिकल वर्क। मेरी अगली वीडियोस में आपको मैकेनिकल वर्क भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये बैक बम्पर सपोर्ट पैनल जो है काफी हद तक रिपेयर हो चुका है।
अब आप देख सकते हैं कि हमने डेक पैनल को रिपेयर कर चुके हैं और हम उसको धोकर पेंट ब्रश टचअप कर चुके हैं। अब बारी है डिक्की की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिक्की का हमने पेंट रिमूव कर चुके हैं और मशीन से डेंट कर रहे हैं। डेंटिंग मशीन से हम उसको डेंट करेंगे। इको स्पोर्ट जो गाड़ी है फोर्ड कंपनी की, तो इसके अंदर सपोर्ट में इतना हैवी पैनल दिया हुआ है कि अंदर से ठोक कर इसे रिपेयर किया नहीं जा सकता। इसके लिए जो है डेंट कूलर ही बेस्ट है ऑप्शन। अगर डेंट कूलर ना होता तो हमें अंदर के सपोर्टिंग इनर सपोर्ट जितने भी है वो सब कट करना पड़ता और वो कट करके रिपेयर करने के बाद उसे भी वेल्डिंग करना पड़ता, तो उसके अंदर जो है काम ज़्यादा बढ़ता है और अच्छा होने की बजाय ख़राब होता है। अंदर इनर सपोर्ट काट कर वेल्डिंग अगर करते तो फिर स्टेपनी का वजन संभालने के लायक टेलगेट नहीं रहता है। इस लोग इसे टेलगेट की जगह डिक्की भी कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पैनल कितना बेहतरीन डेंट हो चुका है। डेंट करने के बाद ग्राइंडर भी मारते हैं उस पर ताकि जो बर आए वो निकल जाए। अब ग्राइंडर मारने के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक डबल एक्शन सैंडर। हमारे डबल एक्शन सैंडर से तो हम उस पर ग्राइंडर से जो बाकी रह चुका है वो कंप्लीट कर लेंगे और डबल एक्शन सैंडर की मदद से हम उस पर थोड़ा बढ़कर पेपर मार के फिर उसके ऊपर है तो हैंड से हाथ से जो पेपर मारेंगे थोड़ा बढ़ा कर जो कोने वगैरह में पेपर नहीं चलता है मशीन से, इसीलिए हम थोड़ा सा हाथ से पेपर मार के उसको कवर करेंगे ताकि हमारा बॉडी सो उखड़े ना। जहाँ पर भी पेपर कम बैठता है वहाँ पर तो पोपड़ी उखड़ना चालू होता है मटेरियल की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैनल रिपेयर हो चुका है। देख सकते हो कि डेंटिंग हुआ पैनल किस तरह से दिख रहा है और इनर सपोर्ट भी किस तरह से रिपेयर कर चुके थे। अब हम उन पर थोड़ा बढ़ के हैंड पेपर मार रहे हैं। हाथ से जो पेपर मारेंगे हम तो हाथ से पेपर है तो जो कोनों पे पेपर नहीं बैठा वो जगह पेपर मारेंगे और फिर उसके ऊपर हाथ फिरा कर है तो जहाँ पर टूचे ऊँचा वगैरह है उसे थोड़ा सा दबा देंगे और उसको दबाने के बाद फिर हमारा मटेरियल भरना चालू होगा बॉडी सॉप। और बॉडी सॉप का पहला कोट दोस्तों इस तरह से पतला लिया जाता है। ये पतला पहला कोट
भर दिए तो इससे जो हमारा कपड़े वगैरह नहीं पकड़ने का जो वजह आती है, प्रॉब्लम आता है, तो सारे प्रॉब्लम कवर हो जाते हैं। और हम पहले ही कोड में अगर ज़्यादा मटेरियल भरेंगे तो एयर लेने का प्रॉब्लम आएगा। फर्स्ट कोड में पतला मटेरियल भरकर सेकंड कोड में चाहे जितना भर दीजिए, डैमेज जितना है उतना चेक कर दिया। अब हम फाइनल हाथ भर रहे हैं। फाइनल हाथ भरने के बाद इसकी सैंडिंग किस तरह से होंगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डबल एक्शन सेंडर से हम हल्का हल्का बॉडी सोप घस रहे हैं। डबल एक्शन सेंडर से बॉडी सोप हल्का हल्का घसने से हमारा टाइम बचता है, काम स्पीड में हो जाता है। डबल एक्शन सेंडर का काम हो गया है। अब हैंड ब्लॉक, फाइल शीट ब्लॉक जिसे कहते हैं, हम वो ब्लॉक से तो सेंडिंग कर रहे हैं। और करास हाथ इसलिए घस रहे हैं ताकि इस पर लहर बाकी ना रहे। अगर हम आड़े हाथ या खड़े हाथ सीधे सीधे घसते हैं, घिसाई करते हैं, सेंडिंग करते हैं, तो उसके अंदर है तो लहर बाकी होती है। और राउंड वाले शेप में तो हमें पाइप या सिलेंट ट्यूब वगैरह से अगर हम सैंडिंग करते हैं तो पैनल में एकदम ओरिजिनल फीलिंग आती है, आपका पैनल किधर से डैमेज वगैरह नहीं दिखेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेलगेट बिल्कुल रेडी हो चुका है, बॉडी सोप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पर तो डीको लांबी भरने वाले हैं। डीकोलांबी का भी सेम प्रोसेस है, मगर वो डीकोलांबी जो है डैमेज रिपेयरिंग के लिए नहीं है मटेरियल। डीकोलांबी जो है सिर्फ बॉडी सूट के स्क्रैचेस कवर करने के लिए है, जिसको हम पतला पतला लगाएंगे गाड़ी पर ताकि बॉडी सूट के स्क्रैचेस अच्छे कवर हो जाए और पेंट में बाद में उभर के ना दिखे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी अंसी पुट्टी कंप्लीट हो चुकी है, हमने फाइनल हाथ भर दिए। अब इस पर हम करेंगे वाटर सैंडिंग। वाटर सैंडिंग ये जो मटेरियल है वाटरलेस होता है, इसीलिए हम इस पर वाटर सैंडिंग कर सकते हैं। और बॉर्डर से बॉडी सोप जो होता है, तो बॉडी सोप ऐसा मटेरियल बनाई है कंपनी ने, ईट टाइप, ईट जिस तरह से पानी चूसती है तो उसी तरह से बॉडी सोप भी पानी चूसता है। अगर हम उस पर वाटर सैंडिंग करते हैं तो हमारे गाड़ी का जो भी पैनल है वो सड़ना चालू हो सकता है, क्योंकि वो पैनल पर पानी दे दिया जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि एनसी पुट्टी को भी करा साथ क्यों घस रहे हैं। एनसी पुट्टी को भी करा साथ इसीलिए घसेंगे ताकि इसमें भी किसी किस्म की लहर बाकी ना रहे, और बार बार चारों साइड से जिस तरह से हम चेक कर रहे हैं हाथ फिरा कर, तो बार बार चारों साइड से हाथ फिरा कर चेक करना ज़रूरी है ताकि किसी तरह की लहर या पट्टी की कट बाकी ना रहे। अब हमारा प्राइमर कोट हो चुका है, अब प्राइमर कोट की शाइनिंग हो रही है। अब आप देख सकते हैं हम प्राइमर कोट कंप्लीट कर लिए हैं और ट्यूब लांडी की भी सेंडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, और हम अब मास्किंग कर रहे हैं इसकी। अब हमारी मास्किंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि टोटल हमारी मास्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेंडिंग पेंट का कोड मार रहे हैं, फर्स्ट कोड जो ड्राई कोड होता है, फर्स्ट कोड ड्राई कोड, ड्राई यानी के रफ कोड जो मारते हैं, तो उससे पेंट की क्वालिटी बरकरार रहती है। हम हमारे पैनल का अंदर का इनर साइड वाला हिस्सा टचअप कर रहे हैं। अब यह है फाइनल कोट, आप देख सकते हैं फाइनल कोट किस तरह से हो रहा है। अब चेक कीजिए कि हमारा पेंट कितना बेहतरीन हो चुका है। वाओ, इसमें जरा सा भी डस्ट और ऑरेंज फील बाकी नहीं है। अब हमारी गाड़ी वॉश करके रेडी टू गो पोजीशन पर है। कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, मोनोग्राम जो निकाले थे हम, मोनोग्राम भी लग चुके हैं, और जिस तरह से गाड़ी की पहले वीडियो शूट किए थे बिफोर की आफ्टर में भी आपको इसी तरह से अंदर इनर एंड आउटर दोनों साइड बतला रहे हैं। और आप चेक कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फोर्ड इको स्पोर्ट एक्सपर्ट ऑटो वर्क। थैंक यू माय फ्रेंड।